इंडिया अलायंस में जितने जोड़ नहीं है उससे कहीं ज्यादा तोड़ है। इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन भी है और इंडिया अलायंस में सबसे इंटरेस्टिंग जो चल रहा है अंदर खाने वो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। कांग्रेस को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को बैलेंस करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को साथ में लाना बेहद ज़रूरी है। आपको याद है ना, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कल ही एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके ऑफिस के सामने पुल बना दिया, इसलिए उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता और यहाँ तक कि राष्ट्रीय जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सुरक्षा चाहिए, अगर सिक्योरिटी की दरकार है तो यूपी सरकार जरूर देगी, लेकिन क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के जरिए समाजवादी पार्टी को बैलेंस करना चाहती है? बिल्कुल, जो इस वक्त कांग्रेस और सपा में जो खींचातान अंदर खाने चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स, जिसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, खेल रही है कांग्रेस। इसलिए क्योंकि अगर वो बीएसपी का नाम लेती है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं बीएसपी के खेमे में चला जाऊंगा, तो उसको लेकर पशुपेश में सपा भी है, आरएलडी भी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरा समीकरण कैसे बन सकता है। और तीनों की, चाहे आरएलडी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सब चारों पार्टियों के जो मुख्य वोट हैं, जो उनके धुरी हैं, वो मुस्लिम हैं, और इसलिए तीनों की निगाहें मुसलमान वोटों पर है। अब एक बात बताना, मुस्लिम वोट बैंक पर निगाह है, लेकिन अगर मायावती आती, अगर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि आने के चांसेस बहुत कम है, अगर इंडिया अलायंस में आने को राजी होती हैं तो क्या अखिलेश रहेंगे? अखिलेश का इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पशुपेश में होंगे, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही इशारों कर दिया कि अगर मान लीजिए कि 2024 में आ जाती हैं तो आगे के बारे में कौन बताएगा कि वो 2027 में उनके साथ रहेंगे कि नहीं है, क्यों उनका मसला 2027 है, ना कि 2024। 24 में तो वो लड़ेंगे जो लड़ना है, 24 में वो अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं, आरएलडी के साथ जाते हैं और तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाते हैं, वो तो लड़ेंगे, लेकिन उनकी जो निगाहें हैं वो 2027 पर है ज़्यादातर, और 27 पर मायावती की भी निगाहें हैं। अब 27 को लेकर दोनों की पशुपेश में है कि 27 में अगर लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसको लेकर लड़ाई चलेगी। तो इससे पहले अभी जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैसेज देना चाहती है कि अगर आप नहीं आते हैं तो इंडिया गठबंधन में बीएसपी को हम शामिल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को बैलेंस करने की कांग्रेस की कोशिश है, लेकिन खुद कांग्रेस भी पसोपेश में है। तो यूपी को लेकर के नहीं, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट, उनके साथ बात पूरी तरह बन नहीं पा रही। बंगाल में ममता कहती हैं 2 सीट ले लो, इतना काफ़ी है। नीतीश कांग्रेस से बात नहीं करना चाहते, कहते हैं कि आपको अगर अलायंस में रहना है, महागठबंधन में, और सीटें चाहिए तो आप आरजेडी से बात करें, क्योंकि हमारा अलायंस आरजेडी के साथ में है, हम जो भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करेंगे आरजेडी के साथ करेंगे, आरजेडी अपने खाते से, अपने कोटे से अगर कांग्रेस को कुछ देना चाहे तो दे दे। यानी अभी एक कैच 22 सिचुएशन कांग्रेस के साथ बनी है। इंडिया अलायंस में अंदर और क्या चल रहा है, सियासत की जितनी अंदर की खबर है, यहाँ इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैं देता रहूँगा। नमस्ते।